Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. नमस्कार, मैं वर्षानी, आप देख रहे हैं बीकी न्यूज़। बीकी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बसों कल्याण बाय इलेक्शन में हर पार्टी एक दूसरे पर आए दिन आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से मल्लिकार्जुन खुबा पर, तो वहीं मल्लिकार्जुन खुबा बीजेपी उम्मीदवार शार्दुल सालगर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह कांग्रेस एमएलए बीजेड जमीर अहमद खान जेडीएस पर और जेडीएस जफरुल्ला खान जमीर अहमद खान पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेड जमीर अहमद खान के लगाए हुए आरोप का जवाब देते हुए जफरुल्ला खान दिखाई दिए। रामस ने जो वीडियो रिलीज किए हैं उसके जवाब में उन्होंने जो मुझ पे उंगली उठाई, मेरी पार्टी पे जो उंगली उठाई, इसका जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के आगे आया हूँ। उन्होंने ऐसे तो कई बातें कही, उसमें से ख़ास बात ये कही कि मेरा और उनका लेवल नहीं है। तो मैं मिस्टर ज़मीर को पूछना चाहता हूँ, जनाजे में और ख़बर में कोई साइज़ होता है क्या? उनका कोई अलग लेवल या मेरा कोई अलग लेवल होता है क्या? पहली बात तो इनके पहले सवाल का जवाब, जनाजे में और ख़बर में साइज़ और लेवल नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखिए। और दूसरी बात, उन्होंने क्या कहा कि मैं पुराना हूँ, फलाना नया है, उनकी फालतू बातों को मैं जवाब देना नहीं चाहता। एंड डेवलपर्स एंड रियल एस्टेट एआर के गिरी सिल्क एंड सारी, खबरदार कर रहा हूँ, मैंने 100 टाइम बोला कि जो मैंने बयान दिया है मेरे वीडियो को गौर से देखो, समझने की कोशिश करो, बेखौफी का सबूत ना दें और हमारी पार्टी पे या किसी को पर्सनल अटैक ना करें। चुनौती देने के बावजूद भी बार बार अटैक किए जा रहे हैं। उन्होंने उनकी ज़बान से कहा कि उनको बीजेपी से 40 करोड़ का ऑफ़र आया था। ये 40 करोड़ का ऑफ़र लेना, 50 करोड़ का ऑफ़र लेना, मैच फिक्सिंग करना, एक कांग्रेस की परम्परा आई है, ये जेडीएस की परंपरा नहीं है। जो इल्ज़ाम लगाते कि 10 करोड़ लिए गए, ना ये सौदा हुआ। उन्होंने कहा कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट क्यों नहीं डाला है। हाँ, हमारी पार्टी में पैसा कम है, पैसा इसलिए कम है, श्रीमान देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे इस देश के और कुमार स्वामी जी 2 बार मुख्यमंत्री बने इस राज्य के, 2 बार मुख्यमंत्री बन के और 1 बार श्रीमान देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन के भी ये लोग ने देश की सेवा की, लेकिन पैसा बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस वजह से आज हमारी पक्ष में, हमारी पार्टी में पैसा कम है, लेकिन पार्टी को चाहने वाले, पार्टी को मदद करने वाले अनेक लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर हम लोग पैसे से डील करना होता तो पैसा लेके बीजेपी से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ 2 और कैंडिडेट डालते और इनकी कांग्रेस को हम लोग हराते थे, लेकिन हमने वो काम नहीं किया क्योंकि ये नीच काम हमारी पार्टी में नहीं होता है। इसके लिए हमने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दिए और ये 1 कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहतर ऑप्शन आया। जब बेहतर कैंडिडेट हमारे आगे आया तो हमने इन कैंडिडेट को उतारा है। और उन्होंने कहा कि एमएलसी मुझे क्यों नहीं दिया गया, मेरी पार्टी पर उन्होंने आरोप लगा। मेरा बिजनेस दुबई में था, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं एमएलए बनके या एमएलसी बनके पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की पब्लिक को, पूरे राज्य में रहने वालों को धोखा नहीं दे सकता था, मैं उनको फुलफिल नहीं कर सकता था। मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, बच्चों की जिम्मेदारी भी थी, कारोबार सर पे था, इसलिए मैंने खुद इनकार किया। मैं कसम खाता हूँ कि देवेगौड़ा जी ने मुझे ऑफ़र किए, इनके बुद्धि में ना ये नादरबंद दागुना निर्भर के बोल के एमएलसी का ऑफ़र किया उन्होंने, लेकिन मैं बोला सर मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता, मैंने इनकार किया था। मुझे ऑफ़र सामने से देवेगौड़ा जी ने दिया था, क्या मेरी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं लोग? जब मालूम नहीं है तो बात नहीं करना चाहिए उनको। और उन्होंने कहा था कि फारूक को तो हमने तो एमएलसी बनाया, कम से कम जुमा 8 दिन हुए थे फारूक साहब को आके पार्टी में, साल भर भी नहीं हो गया, एमएलसी बना दिया हमारी पार्टी ने। उनके पास शकील नवाज 30 साल से काम कर रहे हैं, क्या बनाए इन्होंने? मैं पूछूंगा उनके बारे में, अभी जब वो हमारे बारे में पूछते मैं उनसे पूछूंगा। शकील नवाज उनका पार्टनर, हमारी पार्टी में जब थे स्टेट प्रेसिडेंट थे, क्या बनाया इन्होंने? मुझे एक आदमी का नाम बताओ जिसको जमीर अहमद ने लीडर बना के एमएलए बनाया हो, एक आदमी का नाम बताओ। अगर एक होम के लीडर है तो ऐसा कोई आदमी है जिसको इन्होंने हाथ पकड़ के लेके आके लीडर बना के प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया हो? मेरी पार्टी के अध्यक्ष, मेरी पार्टी की पॉलिसी,
इतनी लंबी लाइन है मुसलमानों की जिनको लीडर बना के प्लेटफॉर्म दे के बाहर जाने के लिए रास्ता भी दे दिए, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किए। ये हमारी पार्टी के सिद्धांत हैं, ये है जनता दल हमारी। और इन्होंने किसको आगे बढ़ने दिया? मैंने बोला था कि पर्सनल अटैक मत करो, अगर तुम खान है मैं 7 पुश्तों के नाम गिनाऊंगा, मेरे आने वाली 3 जनरेशन के नाम सोच के रखा कि मैं वो खान हूँ, नाक में ना लगे। बार बार कुमारना को काला पीला क्या लगा क्या? इनका एक स्टैंडर्ड क्या है? एक लीडर, पॉलिटिशियन का लीडर का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? बच्चे देखते हैं, हज़ारों बच्चे व्हाट्सअप देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पता नहीं फेसबुक देखते हैं, ये लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये लीडर इस्तेमाल करने वाली लैंग्वेज है? पहले अपने अल्फाज को सुधारे, पहले बोलने का तरीक़ा समझे, ताकि आने वाली नस्ल ख़राब ना हो। और क्या कहते हैं वो लोग, मंडिया में बहुत सारी मेजॉरिटी है, पूरे मंडिया कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 22,000 मुसलमान नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है, इनके पास एक लिस्ट नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा जो मुँह में आया वो बोल गया, मुझे मालूम है कि कोसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बोलते हैं मंडिया डिस्ट्रिक्ट के 7 कॉन्स्टिट्यूंसी। अरे भाई, मंडिया डिस्ट्रिक्ट के 7 डिस्ट्रिक्ट नहीं होते, मंडिया डिस्ट्रिक्ट के 7 ताल्लुक होते हैं, पहले ये समझ लो। वो बोलते हैं कि हासन के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, मुझे नहीं मालूम मैप में 7 डिस्ट्रिक्ट कहाँ हैं, हासन के 7 ताल्लुक कहाँ होते हैं, इनको ताल्लुक और डिस्ट्रिक्ट की तमीज़ नहीं है। और मुझे बोलते हैं कि मेरे लेवल का आदमी नहीं है। भाई बोलो तो सही, तुम्हारे क्या लेवल पे होना चाहिए? जफरुल्ला खान को हर तरीके से तैयार है, किस में आ रहे हो? को से 1-to-1 लिस्ट भेजो, मैं जवाब देता हूँ कि मैं तुम्हारे लेवल के ऊपर के लेवल में कहूँ, लेकिन मैं मगरूर ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन पे चलना चाहता हूँ, मैं अवाम के बीच में छोटा बन के रहना चाहता हूँ, तो मुझे छोटा ही रहने दो। बड़े तुम बन रहे हो, ये मगरूरी किसी के साथ नहीं है, इंशाल्लाह तुम्हारे साथ भी नहीं आएगी। ये माए जो है हमेशा माए का अगर खाली होता है, याद रखो, तुम किसी को गिरा के बात करो, कुमारना आके बात करना चाहिए तुमको। तुम जब बोलते हो कि जफरुल्ला खान तुम्हारे लेवल का नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम कुमारना के लायक के नहीं है और कुमारना के लेवल के नहीं। तुम्हारा जो केंद्र में बैठा है ना नायक कांग्रेस का, उसको बोलो कुमारना के ऊपर ऑब्जेक्शन लो, कुमारना आके जवाब देगा। 2 बार चीफ मिनिस्टर थे, तुम क्या थे? और रही बात कांग्रेस में, तुम जमीर अहमद साहब 4 पोर्टफोलियो लेके बैठे, तुम 4 मुसलमानों को क्यों नहीं बांटे 4 पोर्टफोलियो? मेरी कौम का काम होता था, मेरी कौम की खिदमत होती थी, 4 पोर्टफोलियो तुम ऐसा हाथ में पकड़ के बैठते, अकेला खाना चाहते, सारे मुसलमानों को मार देना चाहते, 1 मैन आर्मी चला रहे हो कांग्रेस में, तुम अकेले लीडर हो? मैं आज पूछना चाहता हूँ, बढ़ाओ लीडरों को, बढ़ाओ, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो नई लीडरशिप को क्रिएट करो, आगे बढ़ाओ। तुम्हारे में जब यूथ का इलेक्शन हुआ, वो बंदा जीत गया था, उसको डिस्क्वालीफाइड करके तुमने किसी और को यूथ का लीडर बनाया कैसे? ये मुसलमान को तुमने, ये मुसलमानों की हमदर्दी है तुम्हारी? किस मुंह से मुसलमानों से वोट मांग रहे हो तुम, और हमको पूछते हो कि हम किस मुंह से वोट मारते? हमारी पार्टी के लीडरों ने खिदमत की है मुसलमानों को, इस कर्नाटका में एक ओहदा दिलाया, एक दर्जा, एक मुकाम दिलाया रिजर्वेशन की हैसियत पर, तो आज हम लोग उस बेस पे वोट मांग रहे हैं मुसलमानों से। लेकिन तुम किस बेस पे मांग रहे हो? इतिहास अगर खोलूंगा, 1947 से बीजेपी से लड़ रही है। अरे बेखौफ लीडर, 1947 में बीजेपी थी कहाँ? बोलते हम 1947 से लड़ रहे, कहाँ से लड़ रहे तुम लोग? बीजेपी कब पैदा हुई? और उस दिन से भी जो तुम मैच फिक्सिंग कर चल रहे हो, अंडरस्टैंडिंग पे चल रहे हो, तुम लोगों को डर है कि कहीं बीजेपी सरकार तुम्हारे फाइल ना खोल दे, इसलिए तुम लोग डर रहे। कुमार स्वामी और श्रीमान देवेगौड़ा के ऊपर एक काला दाग अगर किसी के ऊपर है, मैं मुझ पे ताव रखता हूँ, ओपन करो, स्टेट से लेकर सेंट्रल तक ओपन करो, बताओ कि जो प्राइम मिनिस्टर रहा इस देश का, उसके जिस्म पे एक दाग नहीं है। तुम्हारे दागी लीडरों के अगर नाम गिनने चलूँगा ना, 6 महीने लगेंगे, इतनी लंबी पट्टी है, खबरदार, हमारी पार्टी है हमारे लीडरों के खिलाफ नहीं बोलना। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।